subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. यीशु मसीह ने उनसे कहा, जाओ अपने तही जा करके कानों को दिखाओ। आए पहुंच के थके मंदे परेशान दुखी लोगों मेरे पास आ जाओ। कभी कभी हम सुनाते रहते हैं, सुनते नहीं। लेकिन क्या कमाल वाक्या है, क्या खूबसूरत वाक्या है कि उन्होंने कहा भी और सुना भी। काश खुदा के अच्छे लोग जब दुआ करते हैं, आप अपनी शख्सी जिंदगी में दुआ में ठहरते हैं, अपनी खानदानी जिंदगी में दुआ में ठहरते हैं, अपनी कामयाबियों के लिए दुआ में ठहरते हैं, आप खुदा के साथ बातें करते हैं, आप उसे पुकारते हैं, आप उसे दुआ की दरखास्त करते हैं। काश दुआ करने के बाद आप यीशु की आवाज सुनेंगे, हालेलुया। वो बातें करता हुआ क्योंकि हमारा यीशु जिंदा यीशु है, वो सुनता है और जवाब लेकर हम सुनते हैं। हम ये दुआ करते हैं, तू मेरी क्यों नहीं सुनता, मेरी क्यों नहीं सुनता। यीशु कहता है, बहन जी, भाई जी, मैं तो सुन रहा, तुम भी तो सुनो मतलब, पर आप भी सुना सुनो क्यों है। लेकिन इन्होंने पहले पुकारा और बाद में सुना। क्या सुना? जाओ कानों को दिखाओ। और उन्होंने महसूस किया कि बीमारियां बोझ कौन उनकी जिंदगी से निकल रही। उन्होंने महसूस किया, जब उन्होंने पहला कदम उठाया तो उनको उन्होंने शिफा के अमल को महसूस किया कि शिफा होनी शुरू हो गई है। वो जैसे जैसे कदम उठाते जा रहे, जैसे जैसे तेजी से चलते जा रहे कि जल्दी हो, कितनी जल्दी पहुंचे। मसीह ने कहा, अपने दही कानों को दिखाओ, हम दिखाएंगे क्योंकि यीशु का हम कलाम पर अमल करेंगे। कभी कभी हम सुनते हैं पर अमल नहीं। अमल जरूरी है, बोझ से अमल सुनते हैं। अगर हम सुनते ही रहते हैं, यही प्रॉब्लम है। हमारा बोझ एक जगह पर ठहर जाएगा, चाहे वो बीमारी की सूरत में है, चाहे वो कर्जे की सूरत में है, चाहे किसी भी परेशानी की सूरत में है, वो ठहर जाएगा। हमें कंफ्यूज करेगा, हमें मायूस करेगा, हमें बहुत सारे हमारी जिंदगी के अंदर सवाल खड़े कर देगा। इस बहन की जिंदगी से कैसे मोजा हुआ, इसकी जिंदगी से कैसे मोजा हुआ, इस भाई की जिंदगी से कैसे मोजा हुआ, मेरी जिंदगी में क्यों मोजा नहीं हो रहा, मेरे साथ क्या मसला है, मैं क्यों नहीं। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमने सुना तो है पर अमल नहीं किया। वो अमल करने के लिए कोड़ी उनके लिए बड़ी पाबंदियां थी। ये एक बड़ा जुल्म था कि वो कहनों के पास जाए, ये बड़ा जुल्म था वो शहर में दाखिल हो। लेकिन उन्होंने इस जुल्म की दीवारों को गिरा दिया। उन्होंने कहा, क्योंकि यीशु ने कह दिया है, और अपने आप को दिखाएंगे। और जब उन्होंने ये इरादा किया, उनके बदनों से बीमारियां निकलती हुई दिखाई दी। हालेलुया। जब हम बाइबल मुकद्दस के लिए अपने दिलों के दरवाजे खोलते हैं, जब हमारी जिंदगी में कलाम होता है, जब जिंदगियों में कलाम दाखिल होता है,
तो फिर बीमारियां निकलना शुरू हो जाती है। फिर बीमारियों के लिए जिंदगी में जगह नहीं, लानतों के लिए जिंदगी में जगह नहीं, परेशानियों के लिए जिंदगी में जगह नहीं, क्योंकि मेरे आपके यीशु ने कहा, आए बोझ के थके मांदे परेशान दुखी लोगों मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। हमारा यीशु बातों का सच्चा कौन का कौन का, वो जो कहता है आज एक नहीं, आज दो नहीं, आज पांच नहीं, आज सब के सब हर तरह के कोर के बोझ से आजाद होकर वापस आइए। अभी एक बच्ची है मेरे पास, बड़ी परेशान थी, कहती मेरे पापा कल से गए हैं, हम सारे थाने घुमाए हैं, हम सारे हॉस्पिटल घुमाए हैं, कल का मेरे पापा का पता नहीं चल रहा, पूरी रात पता नहीं चल रहा, अभी मेरे भाई हॉस्पिटल में गए हुए हैं, मेरे पापा के लिए दुआ करें। मैंने इतनी कहा, मैंने कहा बेटा जाओ घर, तुम्हारे पापा तुम्हारे पहुंचने से पहले आ चुके होंगे। खुदा के पार्क ने उसके लिए मुझे इतने गर्ज दिए, वो 5 मिनट में बजी वापस आ गए और उसने कहा उसने मेरे काम सवार दिए। मेरे पापा नहीं जानता कितने लोग सताए हुए बीमारियों के, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूँ ये निकलती हुई नजर आ रही है, बीमारियां जलती हुई नजर आ रही हैं और लोग इस बोझ से आजाद होते हुए नजर आ रहे हैं, और मैं अपने प्यारे यीशु को कलीसिया में चलता फिरता देख रहा हूँ। हालेलुया, निकलते हुए देखा है, कोई अपना दिखाओ आजे बस। और मुझे पता है आप सब हैं क्योंकि यीशु ने आपको छू लिया है, हालेलुया। लेकिन क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, ये मेरी बहन मुझे खुदा दिखा रहा था, ये आपके हाथ खड़े करने की बात नहीं है, जब मैं कलाम कर रहा था खुदा का सच्चा और पाक लहू मुझे दिखा रहा था कि वो जिंदगी को छूटा हुआ गुजर रहा है, जहां शुद्र है वहां पे शुगर मुझे जाती हुई नजर आ रही, कैंसर जाता हुआ नजर आ रहा, टीबी जाती हुई नजर आ रही, बचपन जाता हुआ नजर आ रहा, क्योंकि यीशु ने कहा आए बोझ के थके मांदे लोग मेरे, मैं तुम्हें शिफा दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मैं अभी मुझे लग रहा था कि यहाँ यीशु काम कर रहा है जिंदगी में, हालेलुया, यीशु जिंदगी में काम कर रहा है। मैंने तो दुआ के लिए आपकी आंखें बंद कर दी, लेकिन मैंने कहा खोल दिया क्योंकि मुझे लग रहा था कि एक जगह पर खुशखबरी है, एक जगह पर गवाही है, कोई ऐसी बेटी है, कोई ऐसा बेटा है जो बताना चाहता है कि मैंने आज कलाम के लिए अपने दिल के दरवाजे को खोल दिया, और जब कलाम मेरी जिंदगी में दाखिल होना शुरू हुआ तो मैंने बीमारियों को, लचाइयों को, मुसीबतों को, मुश्किलात को, कर्जों को, टीबी को, हर तरह की लानत को निकलते हुए देखा, यहां से निकलते हुए देखा। सब अपने को बंद करें, हालेलुया, दुआ करना शुरू करें।